Hello students, today we are going to begin with unit 5 of your English practice book. The name of the unit is Clauses and Complex Sentences. Worksheet 1, look at the following sentences. The girl who is wearing a black dress is my neighbor. This sentence can be divided into two groups of words. The girl is my neighbor. Who is wearing a black dress? गर्ल की बात हो रही है जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है. शी इज माई नेबर. तो द गर्ल हु इज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस इज माई नेबर. इसमें टू सेंटेंसेस हैं. द गर्ल इज माई नेबर और यहाँ पर हु गर्ल के लिए है. हु इज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस. ओके, बोथ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड क्लॉजेज. ये दोनों ग्रुप्स एक तरह से कंप्लीट सेंस दे रहे हैं तो ये क्लॉजेज होते हैं. रिमेंबर, a clause is a group of words that has one subject and one finite verb of its own. Clause क्या होती है? एक ऐसा group of words होती है जिसमें एक subject होना जरूरी होता है और एक finite verb होनी चाहिए उसी subject की. Subject की अपनी finite verb भी होनी चाहिए. What is finite verb? Finite verb जिसके form change होती है subject के according. सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है. जो आपकी फॉर्म्स होती हैं, जिनकी आप थ्री फॉर्म्स लिखते हो, दोज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स. लेट अस एग्जामिन द अबव एग्जाम्पल अगेन. द गर्ल इज माय नेबर. द सब्जेक्ट द गर्ल एंड इज फाइनाइट वर्ब. हु इज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस. हु सब्जेक्ट एंड इज वेयरिंग फाइनाइट वर्ब. तो यहाँ द गर्ल का एक फाइनाइट वर्ब है इज और यहाँ हु सब्जेक्ट की फाइनाइट वर्ब है इज वेयरिंग. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. एज आई वॉज ड्राइविंग आई सॉ अ कार फॉलोइंग मी. जब मैं ड्राइव कर रहा था मैंने एक कार को अपने पीछे आते हुए देखा. दिस सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग वे. एज आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था, इसमें I was driving, I subject है, was driving इसकी verb है. और दूसरे part में I saw a car following me, I subject है और saw इसकी finite verb है. तो दोनों parts की finite verb और एक subject दोनों parts में है I was, I saw. तो ये आपके दो clauses होती हैं. Come to the next page. However, the sentences therefore the sentence has two clauses. However, it can be noted that one clause makes a complete sense by itself whereas the second clause adds more meaning to the first clause. In sentences में एक sentence जो है, एक part जो है, एक clause है, वो complete sense देती है और दूसरी जो part है, दूसरी clause है, वो उसी sentence को कुछ और मीनिंग उसमें ऐड करती है. इट डज नॉट मेक कम्प्लीट सेंस बाय इट्सेल्फ. दोनों सेंसिबल सेंटेंसेस तो हैं, सेंसिबल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट कम्प्लीट सेंस अपने में दोनों की नहीं होती. एक की होती है और एक की डिपेंड करती है दूसरी पे. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ कार फॉलोइंग मी. मैंने अपने पीछे आती हुई एक कार देखी. इट मेक्स कम्प्लीट सेंस. एज आई वॉज ड्राइविंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था, adds more meaning or depends on the other clause for meaning. यहाँ पर ये more meaning add करती है. जब मैं drive कर रहा था तब क्या हुआ? Okay, तो car में आते हुए देखी पीछे और जब driving कर रहा था, ये आपकी depend कर रही है इस sentence पे. Okay, the clause that makes complete sense by itself is called main clause and the clause that depends on it for its meaning is called subordinate clause. जो complete sense देती है that is called the main clause और जो अपने complete sense के लिए depend करती है दूसरे part पे that is called subordinate clause. Remember, a complex sentence is always made up of one main clause and one or more subordinate clauses. कोई भी complex sentence जो बनता है उसमें एक तो मेन क्लॉज होनी चाहिए और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, तब एक सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल सकते हैं. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट द क्लॉजेस
also mark the subject and the finite verb in each clause. ये सेंटेंस है आपका they stopped when the sun set. इसमें से आपने बताना है इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है जो अपने आप में पूरी है कंप्लीट सेंस, और डिपेंडेंट कौन सा पार्ट है जो उसी पहले वाले पे डिपेंड करता है. सो द एग्जाम्पल इज दे स्टॉप्ड, वे रुक गए. व्हेन द सन सेट, जब सूरज छिप गया तो वे रुक गए, कंप्लीट सेंस हो रही है. जब सूरज छिप गया तो क्या हो रहा है हमें नहीं पता. ओके तो डिपेंडेंट क्लॉज हो गई व्हेन द सन सेट. नेक्स्ट सेंटेंस, देयर वॉज अ किंग हु चोज टू लिव इन अ फॉरेस्ट. एक राजा था जिसने जंगल में रहना चूज किया. एक राजा था जंगल में रहना चूज किया. ओके तो इसमें से आपकी मेन क्लॉज क्या है, देयर वॉज अ किंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज. और इस पे डिपेंड करता है कौन सा किंग, हु चोज टू लिव इन द फॉरेस्ट, वो किंग जिसने जंगल में रहना चूज किया. नेक्स्ट इज टेल मी How you completed the work? Tell me, मुझे बताओ. How you completed the work? तुमने काम कैसे पूरा किया? इसमें आपकी independent clause है tell me और dependent है how you completed the work. Next is the girl who was from Delhi won the crown. The girl who was from Delhi won the crown. अब इसमें देखिए लड़की ने क्या किया, crown जीता. और लड़की कौन थी, दिल्ली से थी. ओके तो द गर्ल वॉन द क्राउन आपके मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, हु वॉज फ्रॉम डेली. कम टू द नेक्स्ट वन, द मैन हुज कार वॉज स्टोलन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन. वो आदमी जिसकी कार चोरी हो गई थी उसे पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज द मैन हैड टू स्टे इन द पुलिस स्टेशन, और कौन सा मैन, हुज कार वॉज स्टोलन, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है. ओके कम टू द नेक्स्ट वन, द मूवी दैट वी सॉ वॉज बोरिंग. इसमें आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज द मूवी वॉज बोरिंग, और कौन सी मूवी, दैट वी सॉ. नेक्स्ट इज You won't reach the school on time unless you hurry. जब तक तुम जल्दी नहीं करोगे तब तक स्कूल टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे. इंडिपेंडेंट क्लॉज You won't reach school in time. और आपकी डिपेंडेंट क्लॉज होगी unless you hurry. Next is the lady whom we saw yesterday is my neighbor. इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कहां से कहां तक है, The lady is my neighbor. कौन सी लेडी, Whom we saw yesterday. ये पार्ट आपका है डिपेंडेंट क्लॉज. द नेक्स्ट वन, द ब्रिज विच वॉज बिल्ट अ ईयर बैक हैज कलैप्स्ड. जो ब्रिज पिछले साल बना था वो टूट गया है. तो मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगी, द ब्रिज हैज कलैप्स्ड, ब्रिज टूट गया है. कौन सा ब्रिज, डिपेंडेंट क्लॉज विच वॉज बिल्ट अ ईयर बैक. एंड द लास्ट सेंटेंस, इफ द गेस्ट्स आर कमिंग The flat should be properly cleaned. अब इसमें मेन क्लॉज आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, The flat will need cleaning. Sorry, the flat should be properly cleaned. It's wrong. The flat should be properly cleaned. और कब क्लीन किया जाना चाहिए, If the guests are coming. ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है. Remember, A complex sentence is made up of a main clause that is complete in meaning by itself and one or more subordinate clauses that do not make complete sense by themselves but provide extra information about another clause. तो आपको जैसे पहले बताया था complex sentence वो होता है जिसमें एक क्लॉज, एक सेंटेंस जो है एक पार्ट पूरा होता है मेन क्लॉज, उसकी कंप्लीट सेंस होती है अपने आप में, और दूसरा जो पार्ट होता है उस वो अपनी कंप्लीट सेंस के लिए पिछले पार्ट पे, दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, दे स्टॉप्ड व्हेन द सन सेट, वे कब रुक गए, जब सन सेट हो गया. इसमें दे स्टॉप्ड कन्वेज कंप्लीट
मीनिंग बाय इटसेल्फ, वे रुक गए, कंप्लीट है अपने आप में। व्हेन द सन सेट, जब सूरज छुप गया तो हमें नहीं पता उस टाइम क्या हुआ। डज नॉट मेक सेंस ऑफ इट ऑन इट्स ओन बट टेल्स मोर अबाउट द बोल्ड वर्ड्स, इसमें अपनी कंप्लीट सेंस नहीं है, इन बोल्ड वर्ड्स को ये मीनिंग ऐड कर रहे हैं। ऑल्सो रिमेंबर द मेन क्लॉज डज नॉट ऑलवेज कम इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ये भी ध्यान रखना है कि मेन क्लॉज जरूरी नहीं है कि हर बार स्टार्टिंग में ही आ जाए। लास्ट सेंटेंस था आपका इफ द गेस्ट आर कमिंग, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं थी, बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, तो ऐसे भी हो सकता है। इट कैन बी ईदर इन द बिगिनिंग एज इन सेंटेंस नंबर 1 और टुवर्ड्स द एंड एज इन सेंटेंस नंबर 10 ऑफ अ सेंटेंस। इट कैन ऑल्सो बी स्प्लिट इन टू पार्ट एज इन सेंटेंस नंबर 4, 5, 6, 8 and 9। बी केयरफुल वाइल लोकेटिंग द मेन क्लॉज, और सिर्फ फ्रंट पे या बैक पे सेंटेंस के नहीं हो सकती, कई बार कुछ सेंटेंसेस ऐसे आए हैं 4, 5, 6, 8, 9 जिनमें की ये स्प्लिट हुई है, अलग अलग हिस्से इसके मिले हैं, कहीं से कुछ उठाया, लास्ट में से कुछ उठाया, तब आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज बनी। ओके?